बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जो अनाउंसमेंट किया है हमारे गवर्नर साहब ने, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जो गवर्नर साहब ने कहा है 1350 जो भी होगा, आई होप इट विल इम्प्लीमेंट एज सून एज पॉसिबल। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 1.5 साल से जो आपने कहा, वो जो 5 अगस्त का मामला हुआ, अनएक्सपेक्टेड जो डिसीजन लिया गया कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत के हवाले से, तो उसने काफ़ी हद तक हमें बहुत लॉसेस में खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर कोविड की परेशानी आ गई, तो उसने उसमें और ज़्यादा इजाफा कर दिया यहाँ के वोज जो हैं टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री को लेके। तो आज का जो अनाउंसमेंट हुई है पैकेज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ पर अनाउंस की है, एक खुशाइंदा इकदाम है। लेकिन जो पैकेज अनाउंस हुई है, मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है। 1350 करोड़ जहाँ पर इन्होंने पैकेज अनाउंस किए हैं, और पूरे इसको जहाँ इन्होंने रखा है, पूरी इंडस्ट्री को जो ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री है जम्मू और कश्मीर यूटी के हवाले से, उसके लिए अनाउंस किए हैं। तो लेकिन फिर भी एक कहावत है, जहाँ जागे वहीं सवेरा। आज कुछ ना कुछ इन्होंने पैकेज अनाउंस किए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आइंदा ये इसी तक महदूद नहीं रहेगी। मैं खैर मकदम करता हूँ इसको कि गवर्नर साहब ने 1350 करोड़ पैकेज का ऐलान किया है, जो खासकर टूरिज्म सेक्टर के लिए ज़्यादा अहम है। इसमें हर एक तबका है, जिसमें ज़्यादा ये पोरस यहाँ शिकारे वाले हैं, उनकी तरफ उनको ध्यान दिया जाए।